नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। एक नजर डालेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। औरैया के विद्युत कार्यालय में रखे पुराने मीटरों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से मीटरों में हो रहा था धमाका। जेए के द्वारा पुलिस और दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। आग से हुए नुकसान का अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है। अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना परिसर में खड़े वाहनों में शुक्रवार को अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते कई वाहन जलकर राख हो गए। बता दें कि धनौरा थाना परिसर में खड़े लवारिस वाहनों में देर रात ये आग लगी। कई वाहन जिसमें जल गए हैं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। अचानक लगी आग से थाना परिसर में हड़कंप मच गया। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के सोनपाल नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया। दो साल की बेटी समेत पिता का शव खाली पड़े प्लॉट के अंदर मिला। पुलिस अधिकारी मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी में बेहद तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर महेंद्र अधिवक्ता नुसरत नौशाद की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कचहरी आज पूरी तरह से बंद है, जिसके बाद पूरी कचहरी का सैनिटाइजेशन आज किया जाएगा। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 221 हो गई है। अपने दो दिवसीय दौरे पर सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे, जहां पर मुरारी ब्लॉक के दर्जनों गांव में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं के समाधान की बात भी कही। इटावा में बिहार के पूर्णिया से नई दिल्ली जा रही निजी बस में भीषण आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बताई जा रही है। बस में सवार 50 से ज्यादा यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना उसराहर क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर चैनल नंबर 128 के पास यह हादसा हुआ। कानपुर के चकेरी के कोयला नगर में भीषण आग लग गई है। अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दर्जनों मजदूर इस कबाड़ के गोदाम में काम करते हैं, जो फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया है। कबाड़ गोदाम में आग बुझाने के उपकरण भी नहीं थे। दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध कबाड़ का गोदाम चल रहा था। फिरोजाबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने बिजली के टावर पर एक व्यक्ति का शव लटका देखा। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को टावर से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। ये हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर की अगुवाई में प्रतापगढ़ में पुलिसिंग तेज हो गई है। लोगों के जीवन से खेलने वाले अवैध और जहरीले शराब के माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। एसपी आकाश तोमर की अगुवाई में पुलिस ने 25 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब को पकड़ा है। 212 पेटियां अंग्रेजी और देशी शराब को पुलिस ने जब्त किया। मौके पर 7 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 20 लोगों की तलाश जारी है। बिजनौर में चोरी की कार और बाइक के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 13 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी चोर गैंग के सदस्य आसपास के जनपदों से कार और बाइकों को चुराकर उनका नंबर प्लेट बदलकर अलग अलग इलाकों में बेचने का काम किया करते थे। पीलीभीत में पुलिस ने 10,000 रुपए की हिस्ट्री शीटर नामी बदमाश को जेल से बाहर रखा, जिसका खामियाजा एक शख्स को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर बदमाश ने एक शख्स को इतना बेरहमी से मारा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के 11 दिन बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नामी बदमाश को तमंचा कारतूस सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं बदमाश के पकड़े जाने पर एसपी और मृतक के भाई ने बिसलडा पुलिस की प्रशंसा की है और क्षेत्र के लोग भयमुक्त हुए हैं। और यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।